मध्य प्रदेश के सागर जिले के सुर्खी में एक मासूम बच्चे की उल्टी दस्त होने के बाद इलाज के दौरान मौत हो जाने पर परिजनों ने हंगामा कर दिया और सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर आरोप लगाए हैं। स्वादिष्ट व्यंजन और रूफटॉप रेस्टोरेंट के साथ होटल सागर इन, पार्टी हॉल, एसी, नॉन एसी, लग्जरी रूम उपलब्ध। पता याद रखें, हनुमान मंदिर के पास, सिविल लाइन, सागर। जानकारी कहती है कि सुर्खी के ग्राम सिंगना निवासी 7 वर्षीय यशवंत चड़ार पिता खेमचंद चड़ार को परिजन उल्टी दस्त होने के चलते 108 एम्बुलेंस की मदद से सुर्खी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे थे, जहां डॉक्टरों ने उसे एडमिट कर लिया और बोतल चढ़ा दी, लेकिन सुबह अचानक यशवंत की पल्स रुक जाने के कारण उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों ने रात भर उसकी देखरेख नहीं की, बोतल चढ़ाकर लापरवाही बरती, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं डॉक्टर निमेश पटेल का कहना है कि उल्टी दस्त होने की वजह से नॉर्मल इलाज किया गया और उसकी हालत में काफी सुधार भी था, लेकिन सुबह अचानक उसकी पल्स थम गई। इसके बाद उसे CPR भी दिया गया, लेकिन तब तक बच्चे की मौत हो चुकी थी। लेकिन अस्पताल की तरफ से किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं की गई है। फिलहाल इस मामले में अब पुलिस जांच में जुटी है। बच्चे की मौत किन कारणों से हुई है, यह तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सिग्ना से आए हैं हम और बच्चा की तबीयत अचानक खराब हो गई, दस्त लग रहे थे। सिग्ना से आए हो? सिग्ना से आए हैं। तो क्या हुआ? बच्चा की तबीयत अचानक खराब हो गई, उल्टी दस्त होने लगे। कब आए थे यहाँ पे? आए थे हम रात में 11:30 बजे। क्या उल्टी दस्त हो रहे थे? उल्टी दस्त हो रहा है। क्या नाम है बच्चे का? यशवंत नाम है। कितनी उम्र है उसकी? 8 वर्ष हो गई। अच्छा, तो यहाँ पर सुर्खी आए थे हॉस्पिटल? कैसे आए थे? 108 से आए थे। तो फिर क्या हुआ? 108 से आए थे और यहाँ पर डॉक्टर को हमने बोला इसको उल्टी दस्त हो रहे हैं। तो उन्हें देखा, बोले इसको ज़्यादा सीरियस नहीं है, हमने कही आप सागर रेफर कर दो, वहाँ उसकी मम्मी भी है, उसकी तबीयत खराब हो रही थी। तो बोले अभी इसका हम कुछ नहीं लग सकते हैं, आप यहाँ रुको, सुबह भेज देंगे। फिर ख़त्म हो गया वो? सुबह 6 बजे देखा तो ख़त्म था, तो मैं डॉक्टर को बुलाया, फिर रात में कोई डॉक्टर नहीं आया। रात में नहीं आया? रात में कोई डॉक्टर नहीं आया। सुबह मैं देखा, फिर बुलाया तो उन्होंने देखा। सुबह तो कितने बजे? 6 बजे करीब। अच्छा, 6 बजे डॉक्टर ने देखा था रात में? रात में जब आए थे। उसके बाद? उसके बाद किसी ने नहीं देखा। फिर सीधे सुबह मिनट मिला? हाँ। यशवंत चड़ार है यहाँ सिंगना का जी, वो अभी यहाँ उसकी डेड बॉडी यहाँ से PM के लिए गई है जी। क्या मामला था? एक्चुअली वो रात में 1:30 बजे आया था पेशेंट, उनका कहना था कि इसको उल्टी दस्त हो रहे हैं। तो पेशेंट स्टेबल था, हम लोग को ऐसा लगा नहीं था, फिर भी हमने एक सलाह दी थी उसको कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना चाहें तो चले जाएँ, तो उन्होंने मना कर दिया था कि हम यहीं करवाएंगे ट्रीटमेंट जो भी रहेगा। तो हम लोगों ने जो डायरिया का जैसा जैसा ट्रीटमेंट होता है तो उसके अकॉर्डिंग जो बॉटल लगती है, ORS वगैरह रहता है, वो सब दिया था। तो पेशेंट स्टेबल था उस टाइम, तो ऐसा लग नहीं रहा था कुछ भी। और 2-2 घंटे में हम लोग मॉनिटरिंग भी करते हैं, बाकी 2-3 पेशेंट और भी एडमिट थे, तो नर्सिंग स्टाफ भी हमारे जाते हैं 2-3 घंटे देखने के लिए। तो बीच बीच में हम लोगों ने BP वगैरह भी लिया, पल्स लिया, तो स्टेबल ही था पेशेंट। लेकिन अचानक से 6:30 बजे जब हमारे नर्सिंग स्टाफ गए देखने, तो उसको BP पल्स कुछ भी नहीं था। तो हम लोगों ने उसको जो और रिसेसिटिव मेजर्स रहते हैं, CPCR वगैरह करना, इंजेक्शन, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स रहते हैं, सब कुछ किया, लेकिन उसको नहीं बच पाया। तो ये बीमार क्या पहले से था? और हाँ, उनके अटेंडर के अकॉर्डिंग तो पहले से उसका कहीं लोकल में ट्रीटमेंट चल रहा था 2-3 दिन पहले से। ये जो झूला छाप डॉक्टर जी? हाँ, झूला छाप जो भी उनके यहाँ पे लोकल जो रहते हैं। तो ये उनका आरोप है जैसे कि रात में केवल एक बार डॉक्टर साहब ने शुरुआत में देखा था, उसके बाद कोई नहीं आया देखने? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग बीच बीच में जाते हैं, जितने पेशेंट BP मॉनिटरिंग 2 आवरली 1 आवरली अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन जो रहता है तो हम लोग करते हैं। और बीच बीच में अगर पेशेंट ज़्यादा गड़बड़ रहता है तो मैं भी जाता हूँ इसे देखूँ। बाकी नर्सिंग स्टाफ तो पूरा चार्टिंग वगैरह भी करते हैं। ब्रजेश गौतम, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सुर्खी।